पहले लगता है मेरे मोबाइल का लेंस बिगड़ा हुआ, पर पता चला कि इसमें जो कांच है ना वही थोड़ा गंदा है, उसको भी साफ कर देंगे। दिवाली की सफाई जोरों शोरों से शेल्टरों में चल रही है, एक नंबर। और सुबह के बज चुके ऑलमोस्ट 9:30, और तुम्हारा भाई आज आपको पता है सुबह के 6:30 बजे उठ चुका था। वे क्यों उठा था वो बताता हूँ, क्योंकि मेरे को वीडियो एक पोस्ट करना था, वो जो ऑलरेडी आज सुबह आ चुका होगा, पोपट भाई ने मेरा चप्पल चोरी कर दी है, ऐसा करके मैंने टाइटल मारा है। मस्त थोड़ा फनी सा टाइटल रखा है, मैंने लगा आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख लो। और मैं पता नहीं धूप में आता हूँ तो मेरी जो आँखें होती है ना वो एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है। देखो आपको वो आप नोटिस करते हो, जो मेरे को डेली देखते हो उनको पता चल जाता होगा कि मैं डायरेक्ट सनलाइट नहीं वो कर सकता, उससे मेरा प्रॉब्लम है कि मैं पूरी आँख नहीं खोल सकता। और अभी तो मस्त इधर सफाई वफाई चल रही है, ये तो एज यूजुअल सीनारियो, इधर तो आपको कपड़े सूखते मिलेंगे ही मिलेंगे। और कल जैसे मैंने बताया कि पूरा रूम वूम साफ किया है हम लोगों ने, बट आज देखो जैसा था वैसा। हमारा बॉयज लोगों का यही दिक्कत होता है, बट जो कपड़े वपड़े अरेंज करने थे वो एकदम मस्त अरेंज कर दिया। और आज से मैंने एक नई चीज़ सोची है, अभी वो 2-3 दिन इम्प्लीमेंट करूँगा, अगर वो उसमें से मेरे को सक्सेस मिलता है तब जाके मैं आपको बोलूँगा कि मैंने क्या सोचा। और अगर आपको ऐसे ही पता चल जाता, अगर मैं वो करूँगा और होएगी, अगर आपको पता चल ही जाएगा ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतीक आयर, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आ गए नए व्लॉग में, नए दिन नए विचारों के साथ, उठ गए आज तो एनर्जी पूरा पावरफुल वाला एनर्जी है। अभी देखे क्या होता है आज के दिन में। आबारी मतलब केमचो, और मुसुरिसामा मतलब मजामा। इसका मतलब ऐसा है कि आपको अगर किसी को पूछा है, पूछना है केन्या में कि आप कैसे, तो पूछने का अबारी, अगर वो उसका आंसर कैसे दे, हाँ तो उसका मतलब होता है केमचो, और सामने वाला उसका आंसर देगा मुसुरिसामा मजामा। ऐसा देखो मेरे को 2 वर्ड्स आ गए, अबारी मुसुरिसामा। बोलो आप अबारी, बोलो अगर आपको भी कैनियन सीखनी है तो आ जाओ हमारे आनंद वाले शेल्टर होम पे। हमारा जॉन ब्रदर है जो हमें कैनियन सिखाता है, मस्त एक नंबर। बाकी सब बढ़िया जॉन भाई? या मसूरिसाना मसूरिसाना मजामा ऐसा ना। सो मच उना बेंडा इंडिया सामा साना साना उना बेंडा व्हाट 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 उना बेंडा उना बेंडा इंडिया साना। सबके सब लोग ये कमेंट में लिख दो, उना बेंडा इंडिया साना। व्हाट दैट मीन यू लव इंडिया सो मच, यू लव इंडिया सो मच, आई लव इंडिया सो मच, ही इज लव इंडिया सो मच, एंड दिस मैन आल्सो लव इंडिया सो मच, एंड यू गाइस आर आल्सो लव इंडिया सो मच। उना बेंडा इंडिया साना, यू लव इंडिया सो मच, सो यू हैव टू अबारी अबारी मसुरिसाना यूना बेंडा इंडिया सो मच। सो देखो तीन 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 वर्ड मैंने सीख लिए, मसूरी सामा अबारी उना बेना इंडिया साना आई लव इंडिया सो मच। चलो आज के लिए बस इतना काफी। पहले हम ये वाले हाईवे के ऊपर चले गए थे, मतलब ऊपर नहीं जाना होता, अभी हम लोग जा रहे हैं नडियाद के लिए। और देखो गोगल्स पहन रही है, अब मजा आता है व्लॉग करने में। और नीचे से मतलब यहाँ पर ऐसे वो क्या बोलते हैं, डाइवर्जन नहीं है सर्विस रोड पे आने के लिए। सीट बेल्ट नहीं पहना था मैंने, मैं भूल गया था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। अभी जा रहे नडियाद एक काम है तो के लिए, और दोपहर के बाद हमारा बहुत बढ़िया वाला प्लानिंग है, तो अभी आप देखिए कहाँ जाते हैं दोपहर के बाद। अभी तो मैं कुछ डिस्क्लोज करने वाला हूँ नहीं। हमारे गुजरात में सब लोग इतने, एक मिनट, ऐसा बोल रहा था, हमारे गुजरात में सब लोग इतने हेल्पफुल होते हैं, किसी को आप एड्रेस पूछो ना, इन जैसे भाई तो पूरा एड्रेस तक मतलब क्या बोलते कि चलो मेरे साथ ही आ जाओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाकी अदर स्टेट में मैंने देखा है ऐसा तो बैठे बैठे बोलते कि भाई उधर देख लो उधर देख लो, बट इधर ऐसा नहीं है, बोलते है चलो। तुषार भाई ने मलवा आया था, पहला शेल्टर मतलब पहले शेल्टर पे रहते थे, अभी उनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो गई है पहले से, तो अभी वो वापस आ चुके हैं, उनको जॉब करनी थी तो उनसे मिले, अच्छा लगा मिलके। और ओके वांदन, चलो ना 166 जो श्री कृष्ण, तो ऐसा बोला था कि अभी उनसे मिले और अच्छा लगा, वापस जा रहे आनंद। और दोपहर के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 11:30, अभी दादी की परिस्थिति में भी बदलाव लाते हैं, और ऐसे किसी का जीवन बदलता है तो अच्छा लगता है। नो डाउट वो गालियाँ बहुत दे रहे थे हमें कि ये किया वो किया, बट उनका जीवन अच्छा हुआ और उनको कहीं जॉब मिली हमारे थ्रू, तो वो गाली खाने में भी मज़ा आता है हम लोगों को, और हम खुश है वो गाली खा के, मज़ा आता है। क्या आपको कौन सा
पोपट भाई जॉन भाई का इंटरव्यू ले रहे, मतलब मेरे लिए प्राउड वाला फील होता है कि उनमें से सीख के किसी की हेल्प करता हूँ और बाद में वो उनका इंटरव्यू लेते हैं तो मेरे को थोड़ा प्राउड फील आता है, पता नहीं क्यों। तो अभी वो उधर आप देखो उनका इंटरव्यू मस्त ले रहे, तो अच्छा लगता है ऐसा देख के, प्राउड फील होता है। आया नो हुआ है अरे आया अंदर गाद ले हुई जाओ ने सेटी में आया हुआ है यार तुम मारा मित्र नहीं के नहीं वंस चो वंस एम इंग्लिश बोलो वंस એટલે કે મારા પૂર્વજનો વંશ હતો એમ હા એવું એક દાદી માં કો લેકે આયા ઇનકા મતલબ ઉનકે બાલ હે અબ દેખો પૂરા મધુમક્ખી કા વો પૂડા હો ગયા ના ઇસકો ભાઈ સંભાળ કે રખના અંકલ ઇસકો ફેંકના મત ऐसा तो मधुमक्खी का पूरा कैसे हो जाता है, पूरा उसकी तरह से हो गया था, पता नहीं कितने साल से वो नहाया नहीं थे, रोड पे रह रहे थे, अभी वो फ्रेश होने के लिए गए, बट उनका पूरा जो वीडियो है पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन पे आएगा, आप उधर जाइए और देखिए। अभी मैं मिलवाता हूँ मेरे दोस्त से अमित भाई। हाँ केम छो एम कही दो बता दे केम छो मजा मा हेलो भाई ध्यान रखो। इनका एक वीडियो है मतलब कल ही पोस्ट हुआ है हमारी मेन चैनल पे, अगर आपके पास टाइम है ना तो देखना, बहुत सीखने मिलेगा उनमें से। इनका एक आदत हो किसी को भी मार देते फट दे से, मतलब फट देने किसी को भी मार देते हैं, मतलब देखते नहीं है कौन खड़ा है। और पोपट भाई को भी एक दो बार लग चुकी है, उनके भाई जो थे बड़े वो तो मार रोज खाते थे। और इधर आया हमारे दिलीप काका को तो सुबह सुबह उनका मतलब उनको फ्रेश करवाते कपड़े चेंज करते ऐसा जोर से छाती पे लात मारा था ना, बात मत पूछो। मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा है उनसे, बट मैं थोड़ा एकदम फ्रेंड होने वाले फ्रेंडशिप वाला जोन पर आऊँ कि मेरे को कुछ कर नहीं, बट देखो थोड़ा मानसिक प्रॉब्लम रहता है उनका, ऐसे होता है उसमें मार भी खाना पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, अगर उनकी हालत अगर चेंज होती है तो मार भी खा लेते हैं हम लोग, उसमें कोई बुरी बात नहीं। अभी अभी वो भाई की गाली खा के आया, आपको आगे बताया। वैसे क्या बोल रहे हो आप? चलिए अभी खाना खाने। उसके पहले क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, चलिए। अरे भाई मेरी रोज फिरकी लेते हैं, मैं ब्लॉग करता तो मेरे को बोलते आप बहुत फेमस हो। कोई फेमस हूँ नहीं भाई, आप लोग तो शेयर करते नहीं, वरना मैं फेमस भी बन जाऊँ। वीडियो पसंद आते हैं तो आप शेयर वेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक तो करना बनता ही बनता है। अभी मस्त तो मैं खाना खाने आ चुका हूँ, सब्जी है, पुलाव, रोटी आएगी, डबल भाई छाछ वाछ लेके आएंगे और यहाँ रोटी तो इधर ही है, छाछ और थोड़ा बहुत संभार है, क्या बोलते हो, चटनी वटनी मस्त मेरे को लहसुन की, वो डबल भाई स्पेशल मेरे लिए बनवाते हैं इधर और खुद भी बनाते हैं कभी कभी, उनको मजा आता है तो चलिए मस्त। मेरे मुंह में पानी आ रहा है पता नहीं क्यों, बट ऐसा बोल रहा हूँ कि चले मस्त खाना वाना खाने के बाद मिलता हूँ। वीडियो अपलोड हो चुका है, सुबह सुबह 9:30 बजे ही कर दिया था और अभी धवल भाई देखो कैसे सो रहे हैं मस्त, ऐसे खर्राटे ही बोलते हैं ना शायद हिंदी में उसको, खर्राटे। मेरे को भी आदत जैसा ये लोग बोलते हैं, मेरे को तो पता नहीं है, अभी खर्राटे ले के सो रहे हैं। पोपट भाई अपना काम कर, अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये भाई ने एक ना एक टी शर्ट दो दिन क्यों पहना, मतलब कल वाले व्लॉग में भी यही था क्योंकि कल मैंने पहनने के लिए निकाला बट इतना गंदा नहीं हुआ था तो मैंने सोचा फालतू में इसको वॉश नहीं करते एक दिन और पहन लेते, इतना ये बॉयज़ को ऐसा सब चलता रहता है हम लोगों में। और क्या बोल रहा था, हाँ कि आप लोग सोच रहे हो कि ये लोग अभी तक महुआ के लिए क्यों नहीं निकले, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बच चुके हैं 2:30। अभी सीन इसमें ऐसा था कि योगी भाई भी हमारे साथ आने वाले हैं बट उन्होंने क्या किया था, सैटरडे को बंक मार दिया था कॉलेज में, ठीक है। तो फिर आज गए होंगे सुबह सुबह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके HOD ने उनको बहुत गंदा वाला सटका दिया मतलब उनको डांटा वाटा होगा कि भाई क्यों नहीं आए, तो उनको बोला तुम 1:30 बजे वापस आओ, तो वो लोग मेरे को ऐसा बोल के कहते मैं 2:30 बजे तक आ जाऊँगा, बट मेरे उनका अभी जस्ट टेक्स्ट आया थोड़े देर पहले कि मैं अभी नहीं निकल पाऊँगा, अगर आपको निकलना है तो निकल जाओ, बट इतना वेट किया है तब उनको वापस क्यों अकेले फालतू मिला, ऐसा अभी सोच रहे अभी क्या करना है क्या नहीं वो पता नहीं है, बट ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली अब थोड़ा एक्सटेंड कर देते 2-3 घंटा और, तो वैसे तो इतना कुछ अर्जेंट काम भी नहीं है, काम भी उधर नहीं होने वाला क्योंकि बारिश आई थी कल। ये चाबी हम लोग जब आनंद आए वापस तब से ढूंढ रहे थे, मतलब समझो ना 11:30-12 बजे आनंद आए ना तब से ढूंढ रहे थे,
और अभी मैं पैकिंग वैकिंग कर रहा हूँ, हम लोग शायद अभी आधे एक घंटे में निकल रहे हैं। कहाँ के लिए निकल रहे हैं वो मैं आगे बोल चुका हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो पता है, वरना वो कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए अगले वाला व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्लॉग को अब मैं एंड करूँगा, क्योंकि ये मेरे को अभी 5:30 बजे अपलोड करना है, और बाकी का जो पार्ट है पार्ट टू, ये मेरा पार्ट वन है, और अभी पार्ट टू भी आएगा वो कल सुबह 9:30 बजे आएगा, तो पहले ये भी देखिए और कल वो भी देख लेना। चलो